भाजपा जब लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर रही थी तब भोजपुरी एक्टर पवन सिंह एक जिम में बैठे हुए थे। अपने कुछ समर्थकों के साथ पवन सिंह भाजपा की लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों का नाम सुन रहे थे, तभी पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से भाजपा ने उनके नाम की घोषणा कर दी। पवन सिंह और उनके समर्थकों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। भोजपुरी एक्टर को वहां मौजूद लोगों ने गले लगाया, मिठाई खिलाई। पवन सिंह ने भगवान की प्रतिमा के सामने माथा टेका, लेकिन इस घटनाक्रम में एक मोड़ आया। पवन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को टैग करते हुए लिखा, किसी कारणवश आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। पवन सिंह ने नाम वापस लेने का स्पष्ट कारण नहीं बताया। हालांकि पवन सिंह के नाम की घोषणा के बाद से ही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के नेताओं ने पवन सिंह और भाजपा को सवालों से घेरना शुरू कर दिया था। टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो और सागरिका घोष ने पवन सिंह के पुराने गानों को लेकर सवाल उठाया, कहा कि पवन सिंह ने अपने गानों में बंगाल और बंगाली महिलाओं का अपमान किया है। टीएमसी राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने इस मामले को प्रधानमंत्री से जोड़ते हुए पीएम मोदी को एंटी बंगाली बता दिया। ऐसे में जब पवन सिंह ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया तो टीएमसी के नेताओं ने दावा किया कि उन्होंने ऐसा अपनी मर्जी से नहीं किया है, बल्कि भाजपा ने नाम वापस लेने के लिए उन पर दबाव बनाया था, क्योंकि उनके गानों को लेकर बंगाल में पवन सिंह का विरोध होने लगा था। बाबुल सुप्रियो ने तो उनके गानों के पोस्टर्स भी पोस्ट किए। जैसे पवन सिंह के कई ऐसे गाने हैं जिनमें महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है, लेकिन इस वीडियो में हम पवन सिंह के पर्टिकुलरली उन गानों की बात करेंगे जिनके केंद्र में या तो बंगाल है या बंगाल की महिलाएं हैं। इस गाने में पवन सिंह का किरदार सामान पैक कर रहा है। उनके किरदार की पत्नी इस बात से परेशान नहीं है कि वो कमाने के लिए बाहर जा रही हैं, बल्कि उस जगह को लेकर परेशान है जहां सिंह कमाने जा रहे हैं। पवन सिंह की आवाज़ में गाने के जो बोल हैं उनका मतलब है कि कलकत्ता में कमाने मत जाइए, कारण वहाँ की महिलाएं जिनको गाने में सौतन कहा गया है मती मार लेंगी। यहाँ मती मार लेने को वश में करने के संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है। इसी गाने में कुछ ऐसी पंक्तियाँ हैं जिसका मतलब है कि कलकत्ता कमाने जाने वाले लोगों को समाज ताना मारता है और उनकी जात का नाश हो जाता है। बंगाल से लिया ये एम सफतीन, इसी नाम से पवन सिंह का एक गाना यूट्यूब पर मौजूद है। इस गाने में पवन सिंह की आवाज़ में एक महिला को चेतावनी दी जा रही है। गाने के बोलों में चेतावनी देते हुए पवन सिंह के किरदार द्वारा कहा जा रहा है कि अगर उस महिला ने उन्हें किस नहीं किया तो वो बंगाल से सौतन ले आएंगे। गाने में महिला पवन सिंह के किरदार को शराब की लत के कारण डांटती भी है, जिस पर पवन सिंह गाते हैं, ऐसे बोलोगी तो गाल पर ऐसा चाटा मारूंगा कि दीवार से सट जाओगी। बंगाल से पानी नाम से एक और गाना यूट्यूब पर है जिसमें गायक के तौर पर पवन सिंह का नाम है। हालांकि इस गाने में पवन सिंह दिखाई नहीं दे रहे। गाने के थंबनेल पर भी पवन सिंह की तस्वीर लगी है। गाने के कुछ बोल हैं जिनमें पूछा जा रहा है कि उस बंगाली महिला में आखिर ऐसा क्या खास। कुल मिलाकर बंगाली महिला को इस गाने में नचनिया कहा गया है। ऐसे और कई गाने हैं जिनमें गायक के तौर पर पवन सिंह का नाम लिखा हुआ है। गाने के थंबनेल में उनकी तस्वीर भी लगी है। साथ ही गाने बंगाल की महिलाओं पर केंद्रित हैं। सारे गानों को सुनना और उनके बारे में बताना संभव नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे गाने भी हैं जिनके नाम और थंबनेल बंगाल के इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन गाने में बंगाल पर कुछ नहीं है। ऐसे गानों की भी भरमार है। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यूज के लिए नाम और थंबनेल में बंगाल के नाम का इस्तेमाल किया गया है। आप इस पर क्या सोचते हैं कॉमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए इकट्ठा की थी हमारे साथी रवि सुमन ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, आप देखते रहिए दी ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।